हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए अपना आहार कैसे रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, उच्च रक्तदाब भारत में सबसे आम जीवन शैली की बीमारी है और इसे अक्सर साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। तनावपूर्ण जीवन शैली और संतुलित पौष्टिक आहार की कमी ने जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों के खतरे को बढ़ा दिया है। तेज तरार जीवन और काम में शेड्यूल की मांग के साथ हर कोई महत्वपूर्ण स्तर पर तनाव में रहता है। अगर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। उच्च रक्तदाब से दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए दवा के साथ आहार में कुछ उचित खाद्य पदार्थों को शामिल करने से असुविधा को कम करने में मदद मिल सकती है। आपको अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने की आवश्यकता है जो हाई ब्लड प्रेशर को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में औषधीय गुण होते हैं। आइए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के आहार में कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सबसे पहला है केला। केला बाजार में आसानी से मिलने वाला एक बारहमासी फल है। केले पोटेशियम से भरपूर होते हैं। पके मीठे केले को सुबह दूध के साथ खाने से रक्तदाब और कई अन्य बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला पदार्थ है पालक। पालक फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। अब बारी आती है लहसुन की। भारतीय खाद्य संस्कृति में लहसुन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है उनके आहार में लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। यह रक्त वाहिकाओं को ढीला करने में मदद करता है। लहसुन अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह काटने के बाद एलिसिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक बनाता है। यह रक्तदाब को जल्दी नीचे ला सकता है। हमारा अगला पदार्थ है दलिया। दलिया हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह फाइबर से भरपूर होता है। सोडियम की मात्रा कम होने के कारण दलिया का सेवन उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला पदार्थ है बीट। बीट का सेवन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट तत्व रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना बीट को सलाद के रूप में या ताजे जूस के रूप में आहार में शामिल करके हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। अगला खाना है अनार। इस स्वादिष्ट फल में एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव पॉलीफिनॉल होते हैं, जिनमें कई औषधीय गुण होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद होते हैं। एक कटोरी अनार को सुबह के नाश्ते में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अगला पदार्थ है जामुन फल। हाई ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर सकता है और इस फल में पोटेशियम होता है, जो मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। जामुन का फल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हमारा अगला और आखिरी पदार्थ है मेथी। मेथी के पत्ते और बीज फाइबर कैल्शियम से भरपूर होते हैं और ये शरीर में LDT TG के स्तर को कम करते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। मेथी के पराठे को हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ खाद्य पदार्थ जो निश्चित रूप से हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इन पदार्थों के दैनिक सेवन और मध्यम स्तर के शारीरिक व्यायाम का संयोजन उच्च रक्तदाब को प्रबंधित करने में काफी मदद कर सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Keep watching. Thank you.